नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो अभी मैं हूँ प्यारी सी ग्राम सेवा मयूली में। तो दोस्तों ये अपने उत्तराखंड का एक कल्चर है कि जो सदियों से चला आ रहा है और यहाँ पर अभी जो हाथ बना है तो उसको सारे गांव वाले मतलब एक साथ बैठकर और मिलजुल कर धोती और कुर्ते में खाते हैं पहन के। तो आप देख रहे हो कि हमारी जो पब्लिक है, हमारे जो गाँव के लोग हैं, वो इस तरह बैठ के भोजन ग्रहण कर रहे हैं। और दोस्तों दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो भोजन का वितरण होगा, जब भात बटेगा सभी लोगों को, बटने के बाद सभी लोग आचमन करके एक साथ खाएंगे और उसके बाद अगर कोई पहले भी खा लेता है तो वो उस व्यक्ति का वेट करेगा जिसने अपनी जो थाली का खाना है वो ख़त्म नहीं किया। तो लगभग मतलब यह है कि शुरू से लेकर के बैठते साथ हैं, भोजन का वितरण साथ होता है और जो पहला निवाला होता है उसको सब साथ ही ग्रहण करते हैं आचमन करने के बाद। और उसके बाद जब भोजन ख़त्म हो जाता है तो उठते भी सभी साथ ही हैं। तो दोस्तों ये अपनी एक प्रथा है, अपना एक कल्चर है और बहुत ही बढ़िया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये चीज़ देख के, क्योंकि आज पहाड़ों में माइग्रेशन इतना ज़्यादा हो गया है कि लोग मिलते नहीं और हो नहीं पाता, ऐसा टाइप का कल्चर देखने को नहीं मिल पाता है। तो मैं आपको ले चलता हूँ अभी थोड़ी देर में कि किस तरीके से होता है यहाँ पर भोजन का। दोस्तों जब तक सारी ग्राम सभा यहाँ पर आ नहीं जाती, ग्राम सभा के लोग आ नहीं जाते, तब तक भोजन वितरण नहीं होगा। जब सभी लोग पहुँच जाएंगे अपने एक कॉस्ट्यूम में, पहाड़ी कॉस्ट्यूम में जो कि हमारा है कुर्ता और धोती, उसके बाद ही यहाँ पर जब सभी लोग आ जाएंगे तब भोजन। लेकिन परिकार ये व्यवस्था सही करिए, आज तीन का धोती ले लो, धोती लोटी, धोती और लोटी और थकुल। तो दोस्तों लगभग जो चावल हैं, जो भात है, वो सभी को बढ़ चुका है और आप देख रहे हो कि हर एक व्यक्ति के आगे एक पानी का लोटा है और साथ ही साथ दाल का वितरण भी शुरू हो गया है। और उसके बाद जब सभी लोगों को बढ़ जाएगा दाल भात तो फिर आचमन के बाद ही जो है भोजन का पहला निवाला जो है मुँह में जाएगा। और दोस्तों आप देख सकते हो कि कई लोगों ने जो है खाना खा लिया है, कई लोगों की थालियां खाली हो चुकी हैं, बट जब तक सभी लोगों की थाली खाली नहीं होगी तब तक कोई उठेगा नहीं इसके बीच में से, क्योंकि सभी लोग मिलजुल कर खा रहे हैं तो अगर कोई उठता है तो उसे अशुभ माना जाता है, तो कोई नहीं उठेगा जब तक सभी की थाली का जो चावल है वो ख़त्म ना हो, उसे पूरा खाएँ ना, और एक साथ सभी उठते हैं अभी। Thank you.
तो दोस्तों कुछ ऐसा है अपना उत्तराखंड का कल्चर। तो दोस्तों इस तरह का भोजन सिर्फ वही लोग ग्रहण कर सकते हैं जिनका जनेऊ संस्कार हुआ रहता है। तो अगर आपका जनेऊ संस्कार है तो आप इस तरीके से खाना खा सकते हो समाज में बैठ के। यहाँ पर वो लोग अलाव नहीं होते हैं, उन लोगों का आना जाना अलाव नहीं होता है जिनका जनेऊ संस्कार नहीं हुआ होता है। तो दोस्तों ऐसा है अपना अतुल्य उत्तराखंड। और अब लगभग पुरुषों का भोजन समाप्त हो चुका है, आप देख रहे हो कि सभी लोग घर को जा चुके हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हो कि सभी को भोजन वितरण हो चुका है और उसके बाद अब सभी लोग एक साथ खाना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आप मेरे बैक साइड का व्यू देख सकते हो कि अभी हमारी जो मातृशक्ति हैं वो भोजन ग्रहण कर रही हैं। और दोस्तों ये हमारा एक कल्चर है जो सदियों से चला आ रहा है और बहुत सारे गांव इसको फॉलो कर रहे हैं जहां पर माइग्रेशन कम है। जहां पर माइग्रेशन ज़्यादा हो चुका है वहां पर ये चीज़ आपको बहुत कम देखने को मिलेगी, बट यहां पर अभी भी ये वैसे क्या बोलते हैं जनेऊ संस्कार हो चुका है, बट मुझे कभी मौका मिला नहीं इस टाइप का। और अगर मैं आज बैठ के खाता तो मैं आप लोगों तक ये वीडियो नहीं पहुँचा पाता, तो इसलिए मैंने सोचा पहले अपने जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं यूट्यूबर जो सब्सक्राइबर हैं मेरे, तो उन तक ये वीडियो पहुँचाने का मेरा एक प्रयास। तो दोस्तों ये हमारे पंडित जी हैं जो अभी तक सभी लोगों को मात्र शक्ति जो हमारी आई थी यहाँ पर और जितने भी हमारे बुजुर्ग लोग या जो हमारे मित्र लोग थे आए थे खाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ वही लोग बैठे थे जिनका जनेऊ संस्कार हो चुका है अभी तक, तो जिसका जनेऊ नहीं हुआ होता है वो लोग यहाँ पर नहीं बैठ सकते। यही हमारे पंडित जी हैं, पंडित जी ने पूरा यहाँ पर भोजन की और लगभग 150 से 200 आदमियों को खिला चुके हैं। तो मानना पड़ेगा इनकी कैपेसिटी को कि ये इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं हमारे उत्तराखंड के लिए, हमारे कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, तो हम इनका धन्यवाद करना चाहते हैं। और मैं अभी आपको थोड़ा सा मिलाता हूँ कुछ लोगों से। तो दोस्तों आप देख रहे हो अभी सारे लड़के जो धोती पहन के नहीं आए थे, कुर्ता पैजामा में नहीं थे, वो लोग खाना खा रहे हैं। कई लोगों का जनेऊ संस्कार हो चुका है बट वो हमारे कल्चर को फॉलो नहीं कर रहे, प्रमोट नहीं कर रहे, तो उनको करना चाहिए ये चीज़। और यलो नहीं कर मोए कि यलो छो यह जनेऊ हो गो मगर यह फिर नहीं खाना, यो तेरे को खाना चाहिए भाई, तेरा जनेऊ संस्कार हो चुका है तो हमारे कल्चर को प्रमोट करो थोड़ा सा, ठीक है। और मेरा तो हो नहीं रखा है इसलिए मैं नहीं खा रहा। तो मैं तो ले चुका हूँ अब भोजन और मैं थोड़ा सा इसमें डाल लेता हूँ, इसमें जो जो बना है आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा सा बबलू, थोड़ा इमला डाल दे, घी डाल दे और थोड़ा तरी डाल दे, और आओ भात खाने को चाय तरी डाल दे और थोड़ा घी डाल दे। तो दोस्तों यह है दाल, हल्का डाल 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 और थोड़ा घी डाल दे। ये क्या आपको भी कवर कर दें? तो आपका तो जनेऊ होरखा नहीं होरखा पहले ये बताइए। अरे होरखा बट सोर का था ना। अच्छा तो ये सोर के थे क्योंकि थके हुए थे और वो दादी भी उनका भी जनेऊ संस्कार लगभग सभी का हो चुका है। जगह नहीं मिली, घुसने नहीं दिया, लेट हो गए। हाँ और आप देख रहे थे कि आंगन भी पूरा फुल भरा था, खचा खच भरा हुआ था, स्पेस भी नहीं था। तो अभी चला हुआ है भोजन आप देख रहे हो।